दोस्तों, तो फिर आज हम आपको लेके जा रहे हैं असीरगढ़ के उस किले में जहाँ आपको मजा आने वाला है। चलिए मेरे साथ और असीरगढ़ के मजे लीजिए। ये जो है रानी लक्ष्मी बाई की प्रतिमा, बिल्कुल खूबसूरत शानदार। और हम ये हैं बुरहानपुर के उस रोड पे जहाँ असीरगढ़ का किला हम चढ़ने वाले हैं। खूबसूरत ये किला है, देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरती का नजारा असीरगढ़ का किला, जल्द ही आपके सामने होगा असीरगढ़ का वो किला जिस पर हम जाने वाले हैं। इस खूबसूरत रोड से आप गिलू चल रहे ना ऊपर। दिस इज अ बकर गाय, यू नो गाय। खूबसूरत सुंदर सा नीला आसमान, बिल्कुल रॉयल फील आना चाहिए क्योंकि हम जा रहे हैं असीरगढ़ के उस किले पे। यस, सुंदर सा किला। अब ये देखिए राइट में असीरगढ़ का किला। यस, इंदौर 161 किलोमीटर है। अगर आप इंदौर से आ रहे हैं बाय फ्लाइट तो आपको आना होगा 161 किलोमीटर। खूबसूरत नमाज, देखिए कितनी सुंदर सी सजी हुई है। और ये देखिए नमाज का टाइम हो गया है और खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। क्योंकि थोड़ा सा रोड अभी गड़बड़ है ना, तो थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन है। यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, अभी तो रोड देखिए आप कितना सुंदर सा लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से रोड आने वाला है। इसके लिए हमें थोड़ी सी चढ़ाई जो है चेंज करना पड़ेगी। और जाना हमें बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल ऊपर नीले आसमानों के पास। हो सकता है मैं शायद इस जगह से मेरा कोई वास्ता हो, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आया हूँ। मेरी पुरानी यादें मुझे बुला रही है। देखिए आप सुंदर खूबसूरत सरोवर, खूबसूरत सी जगह। यहाँ पे से आ जाओ तो। हाँ, रात में यहाँ नहीं आ सकते, कारण क्या है कि शरीर के अंदर एक दिल होता है, दिल जो है बहुत डरता है अंधेरे से, तो अंधेरे का जो है लाभ उठा सकता है कोई भी। इसलिए हम जाएंगे इसी रोड से, वो भी दिन में। अभी जाएंगे, हाँ इसको रोमांटिक से भी कह सकते हैं, पर रोमांटिक के लिए आपको अकेले नहीं आना होगा यहाँ पर, वरना आपके साथ हादसा। अरे ये क्या है भाई। बस गए। हाँ, हमें ऐसा लगा कि कोई चटकने वाला था, लेकिन वो हमारी गाड़ी का ही नहीं था। वो सो रहे थे अच्छे से नींद में, लेकिन ठंडी का मजा ले रहे। हाँ, क्योंकि आसपास चट्टाने बहुत हैं, ठंडी का मजा ले रहे थे। ठंडी महसूस होती है, महसूस हो रही है बिल्कुल एकदम महसूस हो रही है। ठंडाई जो है यहाँ पे धीरे धीरे, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड है वो शरीर को छू रही है। और ये जो हल्की हल्की सी धूप है, हम धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं और रोमांच बढ़ता जा रहा है।
बीच में कार आ रही है, कुछ लोग लेटे पड़े थे, घोड़ों से बहुत प्यार है लोगों को, जिस तरह से जानवरों को प्यार होता है वो हटते नहीं है, उसी तरह से कुछ इंसानों को भी प्यार होता है घोड़ों से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस रास्ते का आप आनंद लीजिए बस। अगर आप घर पे चिप्स या पापड़ अपन टाइप की कुछ चीज़ खा के इसको देख रहे हैं, कच्चा रास्ता है, हाँ कच्चा रास्ता है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा किसी ने कुछ ऐसा किया नहीं है डेवलपमेंट के नाम पे के कुछ। वैसे ये पर्यटन के लिए एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धर्मशाला में लेकिन रोड है, धर्मशाला में बता रहे हैं बहुत अच्छी रोड है धर्मशाला, तो पक्की पर ये जो टर्न होने ना, कौन से समाज की धर्मशाला? मनाली। अच्छा मनाली की धर्मशाला, मैं समझा कोई समाज की धर्मशाला, तो समाज की धर्मशाला तो नहीं है, लेकिन वो धर्मशाला जो मनाली में है वो बहुत खूबसूरत बताते हैं। मैं तो गया नहीं, कभी मौका भी नहीं मिला, कभी खर्चा भी नहीं किया, हाँ लेकिन यहाँ का मजा आ गया है। हेमंत भाई गया है, खूबसूरत जगह है मनाली, तो वो करा देख सकते हैं नीचे की तरफ, ओहो खूबसूरत है ये, जहाँ खूबसूरत है ये देखे आप, बिल्कुल हम ऊपर जा रहे हैं और नीचे खाई जो है ऊपर जा नहीं रहे, चढ़ाई, हाँ ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। ये जो हमारा भाई है ये सही कह रहा है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीच बीच में कुछ ऐसा डर भी लग रहा है कि नीचे, मतलब थोड़ा सा साइड में देख के हल्का हल्का महसूस होता है। आ गए ऊपर और हम बस पीपी पुप करते, सामने कुछ लोग आए हैं और मौत यहाँ पे दिखी। पगला गाड़ी चला लें यार, तो वो तो गाड़ी चला रहे हैं लेकिन ध्यान जो है, ध्यान जा रहा है, नहीं नहीं काउंटर पे ध्यान नहीं जा रहा है, उन्हें अपने जीवन की चिंता है भाई, वो कोई गाड़ी आड़ी तेड़ी नहीं चला सकते, वरना कमेंट्री वाला तो नीचे जाएगा ही जाएगा, शायद में तीन लोग भी जाएंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो जगह है बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, खूबसूरत खूबसूरत। तो भाइयों बहनों, दस दस रुपये हर माल 10 रुपये। ये देखिए हम आ गए असीरगढ़ किले की तरफ, और ये खूबसूरत सी एक पहाड़ी से दिखती हुई, सूरज उसमें से झांक रहा है। आइए 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 ऊपर आ जाइए, और हम जा रहे हैं ऊपर की ऊपर, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं, नहीं नहीं। ये देखिए अब बिल्कुल पहुंच गए हैं, अब करीब हैं असीरगढ़ के उस किले को। ओह माय गॉड, कोई सामान को लेके जा रहा है, सामान मतलब उत्पाद, उत्पाद मतलब सामान, किसी भी गलत चीज के बारे में ना सोचे इस वीडियो को देखते हुए। ओह माय गॉड, यहाँ पे भी कुछ उत्पाद निकल रहे हैं, केरोसिन की दुकान, केरोसिन, फेयर एंड लवली केरोसिन, सब घूम रहे हैं यहाँ असीरगढ़ के किले पे। भाई लोगों, 10-10 रुपए हर माल, 10-10 रुपए आपको देखना होगा आखिर इस किले को। डेरी चार में असीरगढ़ के इस खूबसूरत किले पे हम पहुंचने वाले हैं, जस्ट थोड़ा सा और बचा है, और कुछ कुछ थोड़ा कच्चा रास्ता, कुछ कुछ पक्का रास्ता, बस पक्की करते हुए हम कट जाएगा ये रास्ता और पहुंच जाएंगे असीरगढ़ के इस किले पे। हाँ हाँ, तो भाई और बहनों आज का शो बड़ा खतरनाक है, नीचे पहाड़ी देखे, ऊपर झाड़ देखे, हाँ इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे रोड खराब है, कच्चा रोड, हाँ इसलिए किलो को जीतते जीतते थक जाते थे उसके जमाने में, तो गाड़ियाँ थोड़ी ना थी। नीचे का खूबसूरत नजारा, पहाड़ भी झांक रहे हैं, अब चढ़ाई थोड़ी और बची है, हम काफी ऊपर तक चढ़ के आ चुके हैं, और काफी मेहनत के बाद हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। ये एक्सपीरियंस तो बड़ा गजब का है, कई तरह के पहाड़ चढ़े हैं लेकिन
ये जो है आसिमगढ़ का किला बड़ा ही लाजवाब, कुछ नहीं देखिए आप, इसकी खूबसूरत दीवार हल्की हल्की दिखने लगी, एक झाड़ नीचे की ओर झांक रहा है और वो कह रहा है कि आओ ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर, हम भी आ रहे हैं ऊपर। शानदार शानदार नजारे के साथ हम ऊपर जा रहे हैं और ये देखे नीचे, ओह माय गॉड यू टर्न, बड़ा खतरनाक टर्न आया है लेकिन फिर भी हम जाएंगे। अब गाड़ी का पीछे लेना पड़ेगा, डरिए नहीं, मौत का सामना नहीं करिएगा। ये देखिए ये पहाड़ है, गाड़ी को ब्रेक लीजिए, अब ब्रेक लेने के बाद सीधा लेना पड़ेगा, गाड़ी सेकंड हो या फर्स्ट में चलाना तो पड़ेगा अरे भाई, क्योंकि हम आ गए ऊपर। ये देखिए हमारे भाई पीछे बिल्कुल डर डर में बैठा है, ये देखिए, लेकिन हमें जा रहा है आसिमगढ़ के किले पे। जिस तरह से पिक्चरों में बताते हैं विलन का सामना करने जब हीरो जाता है तो कैसा म्यूजिक बजता है, ये देखिए उस तरह से आसिमगढ़ के इस किले की जो फीलिंग आ रही है बड़ी शानदार है। खूबसूरत है ये पहाड़, खूबसूरत गजब है यहाँ का नजारा। बस अब करीब ही है आसिमगढ़ किले के बिल्कुल, लेकिन जो रास्ता है बड़ा ही खतरनाक है। किला सूट होगा एक नंबर, किले की दीवारें वही तो बोला, ये है सबसे पहली चीज़ आपने जल्दी देख लिया उतर के, अभी देखोगे ना तो अच्छा लगेगा, वो ऐसा लग रहा है कि पत्थर के साथ एकदम खड़ी की खड़ी, वही तो बोल रहा हूँ, यही तो समझ में नहीं आज तक कि बनाया कैसे हो। ये देखो इधर देखो इस पर थोड़ी दी होने ना, चलो साल से स्टोन्स, ये स्टोन की बड़ी बड़ी दीवार है और इस तरह से ये किले की दीवार है लंबी चौड़ी खूबसूरत। इस दीवार को देखकर आप सोचिए किस तरह की खूबसूरत रही है इस किले की। तो अब आ गए हम खूबसूरती की जगह पे, बाकी में बिल्कुल ये देखने वाली वो दीवारें हैं जो वाकई में लग रही है कि वाह क्या खूबसूरती है इस किले की, क्या खूबसूरती की दीवारें हैं। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि वो क्या चीज़ होगी, ऐसी खूबसूरती जिसका जवाब नहीं। ये तो खूबसूरती है किले की दीवार की, लेकिन अब हम लेके जाएंगे दूसरी तरफ जहाँ की वो खूबसूरती होगी, वो आप देखेंगे किस तरह से दिखता है। सूरज पे हाथ रख के नीचे का सीन देखो, हवा धुंध और बादल है बादल। वाह यार खूबसूरत है, अल्टीमेट सो ब्यूटीफुल। तो अब मैं दिखाने वाला हूं आपको सबसे बढ़िया खूबसूरती, और वो खूबसूरती है ये आप कभी नहीं देख पाएंगे, ये है वो खूबसूरती। यहाँ पर आना नामुमकिन है, खूबसूरत है ये स्पॉट। ये है वो सूर्य की रोशनी और ये है वो नीचे शहर। सेल्फी
खूबसूरत पहाड़ी पर खूबसूरत किला, यह है असीरगढ़ का किला। देखो नेता वो जा रहा है रास्ता, पैदल जा रहे हैं वो उधर सामने। खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, ये नीचे रोड है। आओ तो अभी बहुत कुछ है बाकी दिखाने के लिए। यह असीरगढ़ का किला है और अभी आप मेरे साथ चलेंगे और भी ऊपर और भी ऊपर और भी ऊपर, और मैं आपको लेके चलूँगा और आपको दिखाऊँगा वो हर चीज़ जो आज तक आपने नहीं देखी है। हम चलेंगे उस जगह। लो आओ इधर। मेरे बैग के साइड पॉकेट में, बैग के साइड पॉकेट में, बैग के साइड पॉकेट में। औरंगजेब कालीन शिलालेख सन 1958 का पानी नहीं था अभी, जरा पानी अच्छा है इसमें। बंद हो गया, बंद हो गया। 4:30 तक का ही टाइम है, हम भी आधे रास्ते से ही रिटर्न आ रहे हैं। फिर मतलब ही नहीं जाने। सॉरी फ्रेंड्स, कहानी खत्म। टावर तो मिलता नहीं जल्दी साइड में। ये नक्शा वो नक्शा भी देखो, सेम वही पत्थर पे ही। ये मलाईगढ़ बहुत बड़ा है। आशीष भाई हम निकलते हैं मालीग्रह, मतलब मंदिर तालाब है ना यहाँ। मालीग्रह क्या लिखा? ये मालीग्रह ओ चल भाई पास मलाईगढ़ है। मलाईगढ़ नाम होगा उसका कुछ हिस्से का। जोड़ा था ना हो गया मंदिर पे। हम तो चुनाव के लाइव के लिए आए थे। चुनाव के लिए आए क्या? लाइव आपका मंगलवार को जाएंगे? नहीं अभी निकल जाएंगे। तो मैं वही तो रहा, चुनाव वाले तो आ रहे सुबह से। हाँ वही वही सब वही आ रहा है। अधिकारी है, अधिकारी लोग भी आ रहे हैं। इंदौर के पुलिस डीएसपी साहब वगैरह भी आए थे आज। चलो भैया फोन आ गया। तो आप लोग कभी का कलेक्टर में रुके? आ गया। नहीं हम लोग अभी वापस जाएंगे लाइव करके इंदौर वापस। देखो उसको बोलना जल्दी उतर नीचे, नहीं तो उतरेगा ना जंगल आ जाएगा। जा रहे हैं पैदल वालों। हेलो ओ दादा,
बात वो जानवर आता है उधर पीछे पैदल वालों के लिए, जल्दी उतरो आप लोग। वही जगह फोटो से आया ना। सच में एक बार ही मो यहाँ से